नमस्ते, एम्स भोपाल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के समस्त चिकित्सकों द्वारा नवजात शिशुओं, बच्चों से लेकर किशोरों का सर्जरी द्वारा इलाज किया जाता है। इस विभाग में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी यानी पेट से संबंधित बीमारी, यूरोलॉजी यानी पेशाब एवं गुर्दे की समस्या तथा थोरैसिक छाती से संबंधित बीमारियों का उपचार सर्जरी के माध्यम से किया जाता है। कई बच्चों में जन्मजात समस्याएं एवं विकृतियां होती हैं, जैसे ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला यानी खाने की नलकी का सांस की नलकी से जुड़ा होना, कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया पेट की आंतों का छाती में आ जाना, कंजेनिटल लंग सिस्ट यानी फेफड़ों की समस्या, कंजेनिटल हाइड्रोकेफेलस यानी सिर का बड़ा होना, मेनिंगोमाइलोसील यानी पीठ में फोड़ा होना, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन मल द्वार का ना होना आदि। यदि सही समय पर इन जन्मजात समस्या एवं विकृतियों का निदान एवं उपचार नहीं किया जाए तो बच्चे की जान को जोखिम भी हो सकता है। तकनीक में प्रगति के साथ साथ पीडियाट्रिक सर्जरी के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ है। बच्चों में मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, की होल सर्जरी एवं रोबोटिक सर्जरी के आने से बीमारी के उपचार में क्रांति आ गई है। दूरबीन तकनीक से ऑपरेशन करते समय हम छोटे चीरे से विशेष उपकरण डालकर सर्जरी करते हैं। अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन के अलावा पेट की आंतों से संबंधित बीमारियों का दूरबीन पद्धति से इलाज किया जा सकता है। दूरबीन पद्धति से इलाज करने से मरीज जल्दी स्वस्थ होकर घर जा सकता है तथा दर्द का एहसास भी उसे कम रहता है। नवजात बच्चों की बीमारियों के अलावा बच्चों की समस्या जैसे हर्निया, हाइड्रोसील, हाइपोस्पेडियस, अंडकोश संबंधित बीमारियां, फाइमोसिस का इलाज भी सर्जरी विभाग में किया जाता है। भोपाल एवं मध्य प्रदेश की जनता इस प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए एम्स भोपाल में संपर्क कर सकती है। धन्यवाद।